दोस्तों आज हम आपको ऐसी गेंद के नाम को बताएं जिसने अपनी गेंदबाजी से दुनिया में तड़का मचा दिया, जो जब चाहे किसी भी बल्लेबाज का विकेट ले सकता है। इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि एक ही मैच में 10 विकेट लेकर अपना तड़का मचा दिया। इस खिलाड़ी का नाम आपको बताएं, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों एक मैच रणजी ट्रॉफी में केरला और झारखंड के बीच हुआ, जिसमें केरला के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया। इसमें केरला की टीम ने सबसे ज़्यादा रन 475 का छक्का, जिसमें झारखंड की टीम से सबसे ज़्यादा विकेट सहवाज नदीम ने लिए। और सहवाज नदीम की टीम ने जब गेंदबाजी करने का नंबर आया तो उन्होंने 340 रन पकड़ी हुई। और दूसरी पारी में केरला की टीम फिर खेलने आई तो सहवाज नदीम ने फिर उसी मैच में 5 विकेट चटका दिए और केरला की टीम को 2 विकेट टेक दिए। केरला की टीम को दूसरी पारी में अपनी पारी घोषित करने का नंबर आ गया और केरला की टीम के कप्तान 187 रन पर पारी घोषित कर दी, जिसमें फिर भी सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद नदीम ने 5 विकेट चटकाए और केरला की टीम ने पारी घोषित कर दी। जब जवाब में झारखंड टीम आई जिसमें 240 रन पकड़ी हो गई और इस प्रकार केरला की टीम ने इस मैच को 85 रन जारी कर दिया। परंतु दोस्तों आप बता दें ऐसे में सबसे ज़्यादा विकेट लिए सहवाज नदीम ने, एक ही मैच 10 विकेट टकराकर दुनिया को बता दिया है कि इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में खिलाया जाए तो ये खिलाड़ी दुनिया के किसी बल्लेबाज के घुटने तोड़ सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें।